उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव वाले इलाकों में पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है। ऐसे में छतरपुर पुलिस को जांच के दौरान एक कार से 14 लाख से ज्यादा कैश मिला है। जिनसे ये रकम बरामद की गई है, वे लोग इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। छतरपुर की भंगवा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 14,68,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस टीकमगढ़ जिले की सीमा पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार कार को पुलिस ने रोका तो कार के अंदर से उन्हें 14,68,000 की भारी रकम मिली। कार सवार दो लोगों से जानकारी मांगी गई तो इतनी बड़ी राशि का डिटेल नहीं दे पाए। पुलिस ने पूरी रकम इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को दे दी है। दरअसल बड़ा मलेरा में उपचुनाव की वजह से पुलिस को ऐसी आशंका है कि यह रुपया चुनाव में तो नहीं खर्च किया जाना था। अभी आचार संहिता के कारण ढसान नदी की सीमा पर हमारे यहाँ छतरपुर और टीकमगढ़ के बीच में इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर चेकिंग का पॉइंट लगा हुआ था जी। तो वहाँ पे SST टीम लगी हुई थी, तो सघन चेकिंग की जा रही थी जी। तो उसमें एक स्विफ्ट कार आई थी जिसमें कि दो लोग बैठे हुए थे, तो उनके पास से चेकिंग में एक बैग में लगभग 14,68,000 रुपये के आसपास प्राप्त हुए हैं। और उस पर फिर SST टीम और मतलब पुलिस के द्वारा भी पहुँच करके और उनको यहाँ पर चौकी लाया गया है, और उसके जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया है और उससे आगे की कार्रवाई की जा रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।